कौन से दो प्लैनेट हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है? सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब चंदा मामा, भाई हमारे पास तो है। जानेंगे इस सवाल का भी जवाब आगे बढ़ते हुए, और इसके साथ साथ हमारे पास आज 15 क्वेश्चंस और भी हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न में है। आगे जब आप देखोगे इस वीडियो को, यू विल हैव अ रियल एग्जाम एक्सपीरियंस। आपको लगेगा कि मैं सच में किसी रियल एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सारे एरियाज कवर हो जाए, सारे एरियाज के क्वेश्चंस कवर हो जाए, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हो, हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, सारे सेक्शन कवर किए गए हैं। और सबसे मजे की बात ये है कि दिस वीडियो इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन वीडियो, इट इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ अ वेरी लॉन्ग सीरीज। तो आप रेडी हो जाइए इस सीरीज में फ्यूचर में जो वीडियोज आपके पास आने वाले हैं उनके लिए भी। आपको तो पता ही है कि आगे क्या करना है। आगे आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, उसके बिना आगे ना बढ़ें। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आई प्रॉमिस यू आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। आगे बढ़ते हुए आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका आरोहण में। Here comes the question number one. Which number Asian game recently held at Jakarta Palembang? Options में देखते हैं क्या है हमारे पास। Option A says 16th, 17th, 18th and option D says 19th. I am guessing आप सभी को शायद इसका आंसर पता हो, because this event was held recently और काफ़ी बड़ा इवेंट था, तो मे बी आप सभी को पता हो इसका आंसर, बट देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर इज सी, 18th। ये 18th एशियन गेम था, 18th एडिशन था एशियन गेम का, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ था 18th अगस्त से लेकर के 2 अगस्त 2018 के बीच में इंडोनेशिया के दो शहर जो है जकार्ता और पैलेमबैंग, इन दोनों शहरों में ही इस गेम्स के सारे जो इवेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ग्रुप समिट इन जून G7 इन जून 2018 हेल्ड इन विच प्लेस? कौन सी जगह पे ग्रुप सेवन का समिट जून 2018 में हुआ? ऑप्शंस में देखते हैं क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए कहता है फ्रांस, बी जापान, सी कनाडा एंड डी जर्मनी। तो इसका आंसर है सी कनाडा। कनाडा में ग्रुप G7 का समिट कंक्लूड हुआ था। ये 44th एडिशन था, 44th G7 समिट की मीटिंग थी ये, जो कि जून 8 और 9 को हुआ था कनाडा में। तो कनाडा इसकी होस्ट कंट्री भी है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि होस्ट कंट्री क्या थी, कौन सी थी, जो इसी क्वेश्चन का ही एक वेरिएशन है, तो यू कैन से कनाडा। कनाडा भी उसी का आंसर रहेगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। Who is the winner of Women's T20 Asia Cup 2018 held in Malaysia? Malaysia में जो Women's का T20 Asia Cup हुआ था 2018 में, उसका winner कौन है? Options देखते हैं। A. India, B. Srilanka, C. Bangladesh और D. Pakistan। देखते हैं इसका आंसर क्या है। This answer may surprise you, remember. द आंसर इज सी, बांग्लादेश। फाइनल मैच इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया था, जहां पे बांग्लादेश ने इंडिया की टीम को 3 विकेट से हरा दिया था। ये बांग्लादेश टीम का पहला फाइनल था, इन्होंने पहली बार फाइनल में क्वालिफाई किया था इस टूर्नामेंट में, और इंडिया के लिए ये 7th time था। याद रखिए ये 7वां एडिशन ही था एशिया कप का, 7th एडिशन था एशिया कप का। दैट मीन्स इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द एवरी एशिया कप। एंड एक और रिकॉर्ड है जो कि इस एशिया कप में चेंज हुआ, इंडिया ने इस एशिया कप से पहले 2018 के एशिया कप से पहले पिछले जो 6 एडिशन थे उनमें कोई भी मैच नहीं हारा था। इसमें आकर के लीग स्टेज में बांग्लादेश की टीम से ही हमारी टीम हारी थी, एंड देन फाइनल में भी बांग्लादेश ने इंडिया को
हरा दिया था। तो इस मैच को जीत कर, इस फाइनल मैच को जीत कर, इस टाइटल को जीत कर बांग्लादेश वो दूसरी टीम बनती है जिसके पास एशिया कप टाइटल वुमेंस का है। इसके पहले जो बाकी के छः पीछे के छः टाइटल्स हैं वो इंडिया के पास ही हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, एज पर द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस रिपोर्ट 2018, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स इज, ऑप्शंस देखते हैं, 133, 134, 135 and D 136। आंसर देखते हैं इसका क्या है, आंसर है D 136। इंडिया की रैंक इस पीस इंडेक्स में 136 है। पीस इंडेक्स पीसफुलनेस को मेजर करती है और एक ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये इसका सर्वे करती है, अलग अलग ग्राउंड्स पे ये सर्वे करती है और उस पर इन लोग डिसाइड करते हैं कि पीस इंडेक्स इस कंट्री का क्या होगा। दिस इंडेक्स वॉज फर्स्ट लॉन्च इन मे 2007 में 121 कंट्रीज को इन्होंने रैंक किया था एंड इन 2017 इट रैंक 163 कंट्रीज। 2018 में भी 163 कंट्रीज ही थी जिनके बीच इन्होंने ये रैंकिंग की थी। दैट मीन्स 163 out of 163 इंडिया गॉट द रैंक ऑफ 136। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट लॉन्च सूर्य शक्ति किसान योजना इन जून 2018 फॉर द डेवलपमेंट इन सोलार एनर्जी। वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा प्रदेश है जिसने सूर्य शक्ति किसान योजना को जून 2018 में शुरू किया सोलार एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। देखते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को सब्सिडी में सोलार इंस्टॉलेशन यूनिट प्रोवाइड करेगी जिसमें किसान सोलार एनर्जी को यूज़ करके फार्मिंग करेंगे और जो सरप्लस पावर रहेगी उसको पावर कंपनीज को बेचकर जो प्रॉफिट होगा वो किसान ही रखेगा, उसको गवर्नमेंट नहीं रखेगी, वो प्रॉफिट किसान के पास ही जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सेज हु इज द फेमिना मिस इंडिया 2018। The options are A. Anukirti Vas, B. Shreya Rao Kamorapu, C. Sanadua, D. Priyanka Kumari. And the answer is A. Anukirti Vas. Anukirti Vas is from Tamil Nadu. जो Femina Miss India का टाइटल जिनको मिला है वो मिस वर्ल्ड स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी वो है Anukirti Vas। And the second runner up जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2018 में। सेकंड रनर अप जो है उनका नाम है श्रेया राव कामोरापू, वो भी इस ऑप्शंस में अवेलेबल है। फेमिना मिस इंडिया 2018 वाज द 55th एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट एंड इट वाज हेल्ड ऑन 19th जून 2018 एट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम मुंबई। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम मुंबई में इस टूर्नामेंट को, इस ब्यूटी पेजेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था जो कि 55th एडिशन है फेमिना मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, एवरी ईयर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ऑप्शंस आर 14th अप्रैल, 14th मई, 14th जून एंड 14th जुलाई। The answer is C, 14th June. World Blood Donor Day is established in 2004 by the WHO. World Blood Donor Day 2018, मतलब इस साल, this year, इस साल के लिए जो होस्ट कंट्री थी वो थी ग्रीस और ग्रीस के एथेंस शहर में जो कि उसका कैपिटल भी है उसमें 14th of June 2018 को इस इवेंट को कंडक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है बेस्ट एक्टर फॉर आईफा 2018 इज, बेस्ट एक्टर आईफा 2018 का कौन है, ऑप्शंस आर सलमान खान, आमिर खान, सी इरफान खान और डी शाहरुख खान। आंसर देखते हैं सी इरफान खान। इरफान खान को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था इनकी फिल्म हिंदी मीडियम के लिए। Moving on to question number 9, who is recently appointed 46th Chief Justice of India?
हाल ही में 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किन्हें अपॉइंट किया गया? ऑप्शंस हैं ए जस्टिस एस शंकर, बी जस्टिस वरवानी, सी जस्टिस दीपक मिश्रा एंड डी जस्टिस रंजन गोगोई। तो आंसर है डी जस्टिस रंजन गोगोई। जस्टिस रंजन गोगोई को 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में 13th सितंबर 2018 को अपॉइंट किया गया। इनका जो टेन्योर रहेगा 410 डेज का। इंडिया के सबसे पहले चीफ जस्टिस थे जस्टिस एच जे कन्या एंड जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर था फरवरी 1978 से लेकर के जुलाई 1985 तक। इन्होंने 2,696 डेज के लिए ये पोस्ट होल्ड करके रखी थी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। हु इज़ द विनर ऑफ यूएस ओपन 2018 वुमेन्स सिंगल? वुमेन्स सिंगल यूएस ओपन 2018 का विजेता कौन था? ऑप्शंस देखते हैं ए सेरेना विलियम्स, बी एंजेलिक केरबर, सी सिमोना हेलेप एंड डी नायोमी ओसाका। आंसर है डी नायोमी ओसाका। 20 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और इसके साथ ही ये फर्स्ट जैपनीज पर्सन बन गई है जिनके पास ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का टाइटल है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। द इंदूज वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन? इंदू घाटी की सभ्यता को खोजा गया था? ऑप्शंस हैं 1902, 1921, 1922 और डी 1932। तो आंसर है 1921 बी 1921 को इंदू घाटी की सभ्यता को खोजा गया था। द इंदूज वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन 1921। आप अभी तक हमारे साथ इस वीडियो में बने हुए हैं, इट प्रॉब्ली मीन्स यू एंजॉइंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो यार। आगे देखते हैं। इंदू घाटी सभ्यता का नाम इंदू घाटी सभ्यता पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो अवशेष थे वो इंदू घाटी में ही मिले थे, इसलिए इसका नाम इंदू घाटी सभ्यता रख दिया गया। इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो साइट थी, पहली साइट थी जिसको खोदा गया था, वो 1921 में खोदा गया था जैसे कि हमसे सवाल में पूछा गया था, और उस समय वो ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड था। जो साइट एक्सक्रीट किया गया था 1921 में वो ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रोविंस में लोकेटेड था। इन 1861 ब्रिटिश राज में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने 1861 में ही एक्सकवेशन शुरू किया और इसी एक्सकवेशन की वजह से ही ये एंशियंट सिविलाइजेशन को खोजा जा सका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? आगे बढ़ने से पहले हम इस क्वेश्चन में ये जान लेते हैं कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है क्या। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक सीरीज था कॉन्फ्रेंस का, कन्वर्सेशन था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिस्कस करने के लिए इंडिया में आफ्टर फ्रीडम। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हेल्ड किया गया था। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन नवंबर 1930 विच गोज ऑन टिल जनवरी 1931। सेकेंड राउंड टेबल का ड्यूरेशन था सेप्टेम्बर 1931 से दिसंबर 1931 तक, और थर्ड राउंड टेबल जो है वो नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया के टॉपिक्स पे डिस्कशन होते थे इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसने अटेंड किया, वो कौन पर्सन है जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है। ऑप्शंस देखते हैं ए मदन मोहन मालवीय, बी एनी बेसेंट, सी महात्मा गांधी एंड डी बी आर अम्बेडकर।
आंसर है डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी ही वो हैं जिन्होंने ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बोरोड द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने आइडिया ऑफ प्रीएम्बल, मतलब संविधान के लिए जो उद्देशिका होती है, उद्देशिका प्रीएम्बल को आप हिंदी में उद्देशिका बोल सकते हैं, तो उद्देशिका का जो आइडिया है वो किनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है, उधार लिया है, किनके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का जो आइडिया है उसको इंक्लूड किया था। ऑप्शन देखने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान के उद्देश्यों को एक्सप्रेस करने के लिए संविधान से पहले उद्देशिका प्रीएम्बल प्रस्तुत की जाती है। प्रीएम्बल संविधान का सार मानी जाती है और इसे संविधान का सोल भी कहा जाता है। संविधान के लक्ष्य, आदर्श, आकांक्षाओं को एक्सप्रेस करती है प्रीएम्बल, मतलब संविधान की उद्देशिका संविधान के लक्ष्य, आदर्श, आकांक्षाओं को एक्सप्रेस करती है। नाउ लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस हैं ए, इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, बी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सी, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एंड डी, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर है हमारे पास डी, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आइडिया ऑफ प्रीएम्बल को बोरो किया गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 14। NH-65 कनेक्ट सिटीज क्वेश्चन मार्क, प्रीवियसली नोन एज NH-09। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि NH-65, जिसको पहले NH-9 के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन कौन से शहरों को जोड़ती है, मतलब किस शहर से शुरू होती है और किस शहर पे जाके ख़त्म होती है। NH स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 65, नेशनल हाईवे 9, ये इसके नंबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे के नंबरिंग में चेंजेस करी थी, जिसकी वजह से जो पहले नेशनल हाईवे, आपको बहुत सारे बुक्स में या कहीं पे आप इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो उसमें आपको नेशनल हाईवे नंबर 9 के रूप में ये मेंशन मिलेगा, जो कि अब नेशनल हाईवे 65 के रूप में जाना जाता है। वो कौन कौन से शहरों को कनेक्ट करती है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आगरा और मुंबई, ऑप्शन बी है जबलपुर और जयपुर, ऑप्शन सी है कोलकाता और हाजिरा एंड ऑप्शन डी है पुणे और मछलीपट्टनम। आंसर है ऑप्शन डी, पुणे और मछलीपट्टनम। नेशनल हाईवे पुणे और मछलीपट्टनम इन दो शहरों को कनेक्ट करती है। दिस हाईवे रन्स अलोंग महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। दीज फोर स्टेट्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 65, विच इज़ प्रीवियसली नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 9। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पुणे एंड एंड्स एट मछलीपट्टनम। आप अगर कभी हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी विजिट किए होंगे तो उसके पास से, रामोजी फिल्म सिटी के पास से जो हाईवे गुजरती है, दैट इज एग्जैक्टली नेशनल हाईवे नंबर 65। हम इस क्वेश्चन में उसी हाईवे की बात कर रहे हैं। अगर आप कभी गए होंगे हैदराबाद और रामोजी फिल्म सिटी आपने विजिट किया होगा तो यू हैव सीन इट, आपने इस नेशनल हाईवे को देखा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमने अपने थंबनेल पे चंदा मामा के बारे में जो बात की थी वो है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज विच टू प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट। ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिन हमारे सोलर सिस्टम के, जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी चंदा मामा नहीं है। जोक सोसाइड ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मरकरी एंड वीनस, ऑप्शन बी वीनस एंड मार्स, ऑप्शन सी मार्स एंड मरकरी एंड ऑप्शन डी वीनस एंड नेपच्यून। तो हम आंसर में देखते हैं, आंसर है ऑप्शन ए वीनस एंड मरकरी। हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलार सिस्टम में, जो है मरकरी जो सन के सबसे नज़दीक है, देन वीनस दूसरे नंबर पे, देन हमारा अर्थ, उसके बाद मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलार सिस्टम के, इनमें मरकरी और वीनस हैं जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अर्थ के पास मून है, वैसे ही इनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। मरकरी हमारे सोलार सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सबसे नज़दीक है सन के, सबसे नज़दीक होने की वजह से इसका जो
ऑर्बिट है वो शॉर्टेस्ट ऑर्बिट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, मतलब इसको सबसे कम समय लगता है सन का एक एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में। हमारे समय के हिसाब से देखें, अगर अर्थ टाइम के हिसाब से देखें, तो इट विल टेक अराउंड 3 अर्थ मंथ्स का टाइम लगेगा मरकरी को अपना एक चक्कर लगाने के लिए। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इसका एवरेज टेम्परेचर 867 फ़ारेनहाइट होता है। इसका कारण है कि इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सटेंसिव लावा फ्लो है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये थे वो दो प्लैनेट जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, दैट इज़ मरकरी एंड वीनस। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। हमारा सेकेंड वीडियो बहुत जल्द ही आएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइज़।